Now, welcome back to English class. From today, maybe two classes, we would be starting with the second concept of grammar. That is tenses we have done, modals we have done, and now I'm moving on to subject to verb agreement. Once we have completed, when we have completed this one along with the assignment, then we would move quickly towards the literature. So that when your school reopens, you are able to perform in your exams well. Right? So I'm starting with the concept of subject to verb agreement, या फिर हम कहते हैं subject to verb concord. मतलब we can call it in both the sense. In the exams, you don't get any question जिसमें specifically mentioned हो fill in the blanks with subject to verb concord. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता. इन द एग्जाम यू वुड बी हैविंग, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, इधर इट वुड बी एन एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और एडिटिंग. आई रिपीट, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और एडिटिंग. इन्हीं के यही तीन आपके एरियाज हैं जहां पर यू वुड बी what you say assessed on the base of what we call as subject to verb concord. Now, what is subject to verb concord or subject to verb agreement? अब हम कई बार sentences लिखते हैं, like I write, आई एम टॉकिंग दिस इन द प्रेजेंट टेंस. मेरा जो टेंस है वो प्रेजेंट है और मुझे यहाँ पर फिल करना है कि काशवी गॉट हर रिजल्ट्स. तो नेचुरल है कि व्हेन आई एम फिलिंग, आई एम राइटिंग काशवी हैज गॉट हर रिजल्ट्स. तो इसका मतलब क्या था? जो काशवी है, दिस इज वॉट वी कॉल एज सब्जेक्ट, एंड जो हैज है, दिस इज वॉट वी कॉल एज वर्ब. यानी अगर मेरे पास काशवी एक लड़की, एक बच्चा, एक इंसान है, तो मैंने उसके साथ हैज लगाया, तो दिस इज वॉट इन अनदर सेंस वी कॉल सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट. यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को लगाना होता. तो व्हेन वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट टू वर्ब कॉनकॉर्ड, तो देर आर एरिया. जब आपको लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और कई बार आपको लगेगा सब्जेक्ट प्लूरल है और एक्चुअल में सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वी हैव सम रूल्स, या यू कैन से सम एरियाज जिनको आपको देखना पड़े. आप लोग अपने संस्कृत में, इफ यू हैव रेड, आई नो प्रेटी वेल, जिन आप सबने संस्कृत पढ़ी होगी, एंड फ्रॉम सिक्स स्टैंडर्ड वी स्टार्ट विद द यू नो शब्द रूप एंड धातु रूप. तो इन धातु वी से हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ती पढ़ता पठंती पठसी, तो पठती जो है वो सह थर्ड फॉर्म, फिर पटती पढ़ता पटंती पटसी, तो फिर पटामी आए, तो वो ऐसे आता है कि वह थर्ड पर्सन, फिर यू, फिर फर्स्ट पर्सन. तो इन इंग्लिश ऑल्सो हमारा पहला जो बेसिक आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो है पहला, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन किसको कहते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन, एंड ही, शी, एनी सिंगुलर पर्सन इज थर्ड पर्सन. जैसे इफ आई सेड काशवी, तो काशवी इज थर्ड पर्सन, और हमारे जो वर्ब होते हैं वो इनके ही अकॉर्डिंग लगते हैं कुछ एरियाज में.
दूसरा, हम लोगों को वर्ब की भी नॉलेज होनी चाहिए. इन द वर्ब वी से वी हैव द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. द फर्स्ट फॉर्म इज द बेस फॉर्म विच जिसमें हम एस ई एस आई एन जी ये सब लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिट, तो सिट सिट्स सिटिंग. तो दिस इज द फॉर्म इन विच आई एड ऑन. सेकेंड फॉर्म इज ऑलवेज द वॉट यू कॉल एज पास्ट टेंस. अगर मैं कहती हूँ यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो दैट मीन्स आई एम सेइंग पास्ट टेंस, यानी कि सिट का सैट. एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म वी नॉर्मली से इट एज पार्टिसिपल एंड वी यूज इट विथ हैड प्लस. पार्टिसिपल फॉर्म में हम हैड हैज हैव यूज करते हैं, प्लस हम यूज करते हैं द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नाउ द मैंने यहां पर वर्ब का फॉर्म नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज वी हैव रेगुलर वर्ब्स, वी हैव इरेगुलर वर्ब. सिट सैट सैट, ही हैड सैट, ही हैड सैट, ही हैज सैट. Write, wrote, written. He has written. So when we say it is verb third form, so then it is has, have or heard ka jo bhi aapka third form hoga, wo lag jata hai. Whereas, aur kabhi kabhi hamara second form aur third form dono bilkul same hota. Like put. When we say the word put, so it is always put, put, put. इट इज नेवर पुट पुट्स एंड पुटेन. पुट पुटेन पुटेडिड ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. पुट 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 कट कट कट. बट इफ वी से रीड, तो जो स्पेलिंग रीड की है वो तो हमारी सेम रहती है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो वी रीड इट एज रेड. रीड रेड हैज रेड. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने ये फॉर्म लगाया है. टू स्टार्ट एनी ग्रामर, अगर हम लोगों को ये वाले जो बेसिक्स हैं, अगर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स, देन हमारा जो सब्जेक्ट टू वर्ब वाला एरिया है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता. वी नो ऑल द रूल्स. तो ये दो चीजें तो हमें हमेशा याद रखनी है. That what is first person, what is second person, what is third person, and verb ka first, second, and third form. So let us start with the basic rules of subject to verb agreement. We have 11 rules in all. Hamare paas 11 rules hai. To start off with, rule number one. अभी ऊपर ही करवाया था आपको मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो सिंपल रूल है फॉर एनी प्रेजेंट टेंस, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट में हमारे पास होता है There are two sentences. In one, I have written Ansh dash Spanish fluently. And dusre mein Ansh and his sister Spanish fluently. In the first, it is Ansh, yani third person. Subject hamara third person tha. Subject hamara third person tha. And with third person, hum log use karte hain जो भी हमारा वर्ब है उसका एस या
ES form, present tense. So Ansh speaks Spanish fluent. Whereas अगर हमारा plural है, I है, you है, we है, they है, तो then we use the base form of verb. तो Ansh and his sister speak Spanish fluently. And अगर इसी सेंटेंस को आपको फिल करना पड़ रहा है इन द नेगेटिव फॉर्म, मतलब अंश नहीं बोलता, अंश और उसकी बहन नहीं बोलते, देन अंश हेयर अंश एंड सॉरी अंश नहीं बोलता, तो अंश यहां हमने कौन सा फॉर्म लिया है, एस, तो इन द नेगेशन इट इज डज नॉट. इन द एग्जाम्स मेनी टाइम्स व्हेन सच क्वेश्चंस कम द चिल्ड्रन यूज डू नॉट, तो हमें लिखना है अंश सिंगुलर है, अंश थर्ड पर्सन है, तो अंश डज नॉट स्पीक स्पैनिश. बच्चा डज नॉट, डू नॉट, कोई भी मोडाल वर्ब आता है उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अंश एंड हिज सिस्टर डू नॉट स्पीक स्पैनिश. डज नॉट स्पीक नहीं होगा, डू नॉट स्पीक नहीं होगा. तो दिस इज रूल नंबर वन फॉर प्रेजेंट टेंस. नाउ प्रेजेंट में ही वी हैव द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी ऊपर मैंने आपको करवाया था, जो मैंने आपको ऊपर करवाया था, दैट इज विथ सिंगुलर थर्ड पर्सन we use has, and with plural I, you, we, anything in plural third person we use have plus verb ka third form. Ansh has got his Spanish class. Ansh and his sister have got their Spanish class. So this is the first rule for subject to verb. Yani ki jab aapko fill karna hai ya aapko editing ya omission dekhna hai, to uske andar aapko pehla jo dekhna wo ye hai ki tense kaun sa hai and what is the matlab ki the person. First person, second person, third person. And accordingly, you have to fill it. This is rule number one. Now, come to rule number two. This is easy. Very easy and the basic one. I have to take because I have to take it according to the rules, but it is easy. Agar verb, sorry, aapke subject do se zyada hai and they are joined with the conjunction and. Joined with the conjunction and. Jaise
तरुणा एंड हर फ्रेंड्स। तो इसे क्या पता लग रहा है कि तरुणा और उसकी फ्रेंड्स, अगर यहाँ तरुणा बट होता तो फिर वो प्लूरल नहीं माना जाता। द कंजंक्शन एंड जो है इट इज टेलिंग दैट दिस इज इन प्लूरल, तरुणा एंड हर फ्रेंड्स। तो इसके साथ हमारा आ जाता है आर, पास्ट टेंस है तो वर, हैव और हैड। तरुणा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग, तरुणा एंड हर फ्रेंड्स वर प्लेइंग, तरुणा एंड हर फ्रेंड्स हैव प्लेड। तो व्हाइल वी आर यूजिंग द प्लूरल विथ एंड इट वुड बी कंसिडर्ड, उसमें हम वर्ब का वो फॉर्म लेते हैं जो हम प्लूरल्स के साथ। अब नेक्स्ट रूल, नाउ रूल नंबर 3 सेज, व्हेन, ध्यान से, सबसे ज्यादा आता है पेपर में, सबसे ज्यादा आता है पेपर में, व्हेन टू सब्जेक्ट्स सॉरी वेरी 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 कॉमन, आई रिपीट, क्लास 12 10, वेरी 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 कॉमन। व्हेन अ सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय अ क्लॉज और फ्रेज, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। अब यू कैन सी देर आर टू सेंटेंसेस, माई फ्रेंड्स इन अवर नेबरहुड डैश यू विल, माई फ्रेंड लिविंग इन पंजाब डैश यू विल। नाउ इसके अंदर, और ये सबसे कॉमन भी है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा जहां पे वर्ब खत्म होता है, जहां हमारा सब्जेक्ट खत्म होता है उसके साथ हमारा वर्ब लगता है। बट इन दिस, यहां बीच में जो है देर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स, यहाँ पे एक फ्रेज है, एक क्लॉज है, मतलब देर आर क्लॉज या फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ब। फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में आपका जो है वर्ब भी होता है, एंड क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमारा सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड, यानी कि ये सेपरेटेड है फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम दिस इन आवर नेबरहुड। तो अब हमें किसके लिए वर्ब लगाना है, वी हैव टू पुट द वर्ब फॉर दिस, वी हैव टू पुट द वर्ब फॉर दिस। तो माई फ्रेंड्स, हमारा जो वर्ब है वो है नो। अब माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा, इट इज प्लूरल, माई फ्रेंड्स इज प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा।
यानी कि नो यू वेल। माई फ्रेंड्स नो यू वेल, माई फ्रेंड्स इन द नेबरहुड नो यू वेल, माई फ्रेंड्स नो यू वेल, मेरे दोस्त तुम्हें जानते हैं। Whereas in the second sentence it is my friend living in Punjab. लेकिन यहाँ पर we are not bothered about who is living where. We are bothered कि my friend क्या है. It is singular. तो my friend के साथ हमारा क्या आएगा रूल हमारा यहाँ पर था सिंगुलर के साथ हमारा एस या ई एस फॉर्म होता है. तो my friend knows you well. My friend knows you well. तो यहां पर जो लिविंग इन पंजाब है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसने सब्जेक्ट और वर्ब को अलग किया है. लेकिन हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना है. तो हमारा ऊपर जो सब्जेक्ट था दैट वॉज माई फ्रेंड यानी कि प्लूरल एंड नीचे वाले में सिंगुलर. तो माई फ्रेंड सिंगुलर तो उसके साथ नो. तो दिस इज what we call as rule number 3 means while you are looking for the sentences you should go in for all these. Next is aapka rule number 4. Now in this, what is there? There are two subjects and they are joined with the words or you can say the conjunctions as well as in addition to और अलोंग विद. अब अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो नाउ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. फर्स्ट फर्स्ट My uncle as well as my mother dash going abroad. Second, there are three sentences. The first sentence says, my uncle as well as my mother. The second sentence says, Kanta, not you. The leader along with his followers. Again, this question is very common. खासकर जो थर्ड वाला है द लीडर वाला बड़ा कॉमन है एंड दिस कम्स इन द व्हाट यू कॉल एज एडिटिंग. अब पहला सेंटेंस हमें क्या बता रहा है माय अंकल एज वेल एज माय मदर.
यानी कि ये बता रहा कि ये सेंटेंस प्लूरल है, मेरे अंकल और मेरी मम्मी एज वेल एज, मतलब मम्मी भी, तो यहां आ जाएगा आर गोइंग अब्रॉड। अगर पास्ट टेंस है तो वर्क, बिकॉज माई अंकल माई मदर प्लूरल। सेकेंड इज कांता नॉट यू। अब यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कांता तुम नहीं, कांता मेरे साथ आएगी, तुम नहीं, आप नहीं, कांता मेरे साथ आएगी। तो हम यहां कांता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कांता के साथ जो वर्ब लगाना है, यानी कि दिस इज अ सिंगुलर सेंटेंस। कांता इज टू असिस्ट मी या वॉज। यू के साथ इज नहीं लग रहा है क्लास 10। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो ये समझ आ रहा, कांता नॉट यू इज टू असिस्ट मी, तुम नहीं, कांता असिस्ट करेगी मुझे। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कांता। अब आपका थर्ड वन, द मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चंस, द लीडर अलोंग विद हिज फॉलोवर्स। 99.9 स्टूडेंट्स राइट यहां पर हैव, 99.9 बच्चे यहां हैव लिखते हैं, एंड दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि बच्चे देखते हैं द लीडर अलोंग विथ फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, लेकिन यहाँ क्लास 10 हम फॉलोवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लीडर अपने फॉलोवर के साथ पहुंच गया, लीडर और उसके फॉलोवर्स पहुंच गए नहीं, लीडर अपने फॉलोवर्स के साथ पहुंच गया। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीडर, नॉट अबाउट द फॉलोवर्स। तो जो यहां पे लीडर है, इट इज सिंगुलर। लीडर अलोंग विद हिज फॉलोवर्स हैज रीच्ड द वेन्यू, मतलब वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो हैव नहीं, हम लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके फॉलोवर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लीडर अपने फॉलोअर को लेकर आ गया है। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस सेंटेंस, बिकॉज इट्स अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस आल्सो। लुक इन टू योर स्कूल्स क्वेश्चन पेपर्स, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन 100%। मतलब लीडर वाला नहीं, उसमें अलग अलग अलॉन्ग विथ करके आता है। तो अगर यहां लिखा है द लीडर्स अलोंग विद हिज विद देयर फॉलोअर्स, तो हैव आता, लेकिन यहाँ लीडर सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस या हैज लगाते हैं, तो हमने हैज लगा प्रेजेंट टेंस। दिस इज व्हाट यू कॉल एज रूल नंबर 4। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। नाउ रूल नंबर 5 से आपने कई बार देखा होगा, देर आर डिटरमाइनर्स। व्हाट आर डिटरमाइनर्स? दिस, दैट, ए, एन, द, ईच, एवरी, मेनी, इनको हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो जब आपके डिटरमाइनर्स होते हैं लाइक ईच, एवरी, मेनी, अ, ध्यान करिए, ईच, एवरी, मेनी, अ, देन ईदर, ईदर, तो व्हेन यू हैव दीज डिटरमाइनर्स इन योर सेंटेंसेस, देन व्हाट यू हैव टू डू?
There are three sentences. Each of the boys dash to submit the project. Many a man dash how to lead life. Either of the children dash to go with him. अब सेम आपका, अब हमारे पास यहां लिखा हुआ है बॉयज, यहां मेनी, यहां चिल्ड्रन, राइट? सो नाउ व्हाट चिल्ड्रन डू नॉर्मली, दे वुड गो विथ, अच्छा ईच ऑफ द बॉयज है, मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है इज या हैज, मतलब डू डज Whatever in the singular form. तो बच्चे क्या लिखते हैं, Each of the boys are to submit, have to submit. But बेटा ये sentence गलत है. Each of the boys, boys में से हर एक को, यहां जो मतलब कि each है, that means हर एक. तो दिस इज सिंगुलर, बॉयज में से हर एक बॉय को प्रोजेक्ट सबमिट करना है. तो हम यहां सिंगुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल द बॉयज नहीं लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज है. तो यहां पर इज टू सबमिट या हैज टू सबमिट द प्रोजेक्ट. यहां हमें बॉयज नहीं, डिटरमाइनर ईच को देखना है. सेकेंड वन, मेनी अ मैन. अब यहां मैनी लिखा तो बच्चे लिखते हैं मैनी के साथ तो प्लूरल आएगा. हमें यहां मैनी नहीं देखना, मेनी अ मैन. तो सब्जेक्ट इज नॉट मैनी, सब्जेक्ट इज मैन. It is not men, it is man. और man आपका singular. Man आपका singular. तो जो singular के साथ लगेगा वही यहां पे लगेगा. Many a man does not know how to lead life. Many a man knows how to lead life. तो यहां a man, a लगा है. तो मैनी पर ध्यान नहीं, आ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आ मैन है, मैन इज सिंगुलर. यहां मैनी लिखा तो चलो डू नॉट नो. द सेम प्रिंसिपल इज ईदर ऑफ द चिल्ड्रन टू गो विद हिम. बच्चों में से किसी एक को, ईदर मतलब कोई एक. Has to go with him. One more very common. One of the students One of the students, now the question is, has ya have? तो students में से एक बच्चे ने NASA join किया है. One of the students has joined NASA. It's not have, मतलब सारे students में से एक बच्चे ने NASA join कर लिया है. तो वेन यू आर लुकिंग इन टू दिस रूल क्लास 10th, आपको इस रूल के अंदर डिटरमाइनर को भी देखना है. पहला जैसे यहां पर था आपका ईच, देन ईदर वन, प्लस जैसे ये सेंटेंसेस है मेनी अ मैन, तो यहाँ पे मेनी अ है, एंड अ जो है दैट डिनोट सिंगुलर. तो जो सिंगुलर के साथ लगेगा वही आपका वर्ब लगता है विद मेनी अ. डोंट गो विथ मेनी, गो विथ मेनी अ मैन.
the last rule for today. Rule number 6. There are, I think you must have studied the conjunctions. आप लोगों ने कंजंक्शन स्टार्ट किए होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज, वी हैव द कंजंक्शंस लाइक फैन बॉयज एंड वी हैव द कंजंक्शंस विच आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आई थिंक यू मस्ट हैव डन इट. फैन बॉयज आपके होते हैं फॉर एंड नीदर बट और येट सो, ये सिंगल होते हैं. वेयर एज आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो ऐसे चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं. नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ये साथ में चलते हैं, ये साथ में चलते हैं. इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट. इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट, यानी कि जो ब्लैंक आपको दिया है, जहां वर्ब आपको दिया है, उसके बिल्कुल नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना. इस वाले में हमारा जो था सेपरेट करने वाले में हमें देखना था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, लेकिन यहां हमें देखना है जो नियरेस्ट है टू द वर्ब, जहां वर्ब फिल करना है उसके एकदम नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है. सिंगुलर है तो has, is, और प्लूरल है तो आर, वर, हैव, वो. फॉर एग्जाम्पल, नाउ देर आर थ्री एग्जाम्पल्स. नीदर द बॉयज नॉर तरुण एट फॉल्ट. नीदर द मैन नॉर द नेबर्स एट फॉल्ट. राघव इज नॉट ओनली गुड बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो डैश काइंड. तो अब जब हम ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो इन सेंटेंसेस से हमें पता लगता है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉयज. ना ही वो लड़के और ना ही तरुण की गलती थी. तो यहां हमारा जो नियरेस्ट है टू द वर्ब वो है तरुण, मतलब जहां वर्ब लगना है उसके एकदम नियरेस्ट आपका जो है वो है तरुण. तो तरुण के साथ जो वर्ब लगेगा
इज वॉज हैज वो लगेगी। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज लगेगा, पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगी। नीदर द बॉयज नॉर तरुण इज एट फॉल्ट। हमें बॉयज के लिए नहीं लगाना है, हमें तरुण के अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में उल्टा हो गया है, नीदर द मैन नॉर द नेबर्स। यहां पे हमारा जो नेबर्स है वो प्लूरल है, तो यहां हमारा आ जाएगा नीदर द मैन नॉर द नेबर्स आर या वर। नीदर द मैन नॉर द नेबर्स आर एट फॉल्ट। ना हमें नेबर्स के साथ जो लगाना है आर वर हैव वो लगेगा। राघव इज नॉट ओनली गुड। राघव सिर्फ राघव अच्छा नहीं है, उसके दोस्त भी अच्छे हैं। तो राघव इज नॉट ओनली गुड बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो आर काइंड। तो हम यहां पर जो नियरेस्ट है हिज फ्रेंड्स वो यूज कर। तो रूल नंबर 6 सेज व्हेन देयर आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ऐसे हो तो वी हैव टू लुक फॉर द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब। जहां वर्ब लगेगा उसके नियर में जो सब्जेक्ट है वो हमें देखना हो। सो दैट इज रूल नंबर 6। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 5 रूल्स विच वी वुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन अलॉन्ग विद द असाइनमेंट विच विल बी हैविंग द एमसीक्यूज एज वेल एज एडिटिंग एंड एडिटिंग क्वेश्चन। उसमें आपके एमसीक्यूज भी है और एडिटिंग भी है, मतलब यू विल फाइंड एंड यू विल फाइंड ऑल दीज। जो रूल्स अभी आपको मैं करवा रही हूँ दीज रूल्स विल बी देयर इन योर दोज क्वेश्चन एंड दैट इज द पैटर्न ऑफ बोर्ड ऑल्सो। तो वेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट तो यू हैव टू लुक एट द सेंटेंस। अभी रूल्स हमें ध्यान नहीं रहेगा लेकिन हमें सेंटेंस में देखना है। इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, अगर वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर है तो हैज, या फिर अगर जनरल में लगना है जैसे हमने लिखा था अंश स्पीक्स, अंश डज नॉट स्पीक, ये आएगा। इफ इट इज जॉइंड विद अ कंजंक्शन एंड विच मेक्स द सेंटेंस प्लूरल तो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगेंगे। देन इफ इट इज सेपरेटेड मतलब बीच में एक वर्ड आ गया है, द बुक विच यू गेव मी, द बुक विच यू गेव मी डैश इंटरेस्टिंग, तो यहां मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, बुक विच यू गेव मी इज अ फ्रेज, वो बीच में एक मुहावरा है जो तुमने दिया। तो वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट तुमने दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक इज इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट इज वेन देर आर कंजंक्शन लाइक एज वेल एज इन एडिशन टू अलॉन्ग विथ माई ब्रदर्स अलॉन्ग विद माई मदर, तो अब यहां मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, माई ब्रदर्स के बारे में बात कर रही हूं, नॉट अबाउट मदर। तो मेरे को यहां लिखना माई ब्रदर्स अलॉन्ग विद माई मदर हैव रीच्ड, लेकिन ये उल्टा है, माई मदर अलॉन्ग विद माई ब्रदर्स, तो मैं यहां मदर के बारे में बात कर रही हूं, तो हैज रीच्ड। Then we might be having some determiners like each of the boys, one of the students. तो हम यहाँ boys में से हर एक singular बात कर, one of the students, students में से एक, एक के बारे में बात करूँ, तो we have to identify and write the appropriate verb. Last but not the least, when we have the coordinating conjunctions like not only but also, neither nor जो साथ में चलते हैं, तो जो nearest है जहां verb लगना उसके साथ में जो जो subject है singular है तो plural verb, plural है तो singular verb लगे। That is those are some of the rules for
doing the concept of subject to verb agreement.